मैं हूं नैश बियानी और आप मेरे साथ हैं इंग्लिश आम की इस महफिल में, जिसमें हम देखेंगे इंग्लिश की एक टिप, यानी कि इंग्लिश बोलने के लिए इंसान क्या करे तो उसमें और आगे बढ़ पाए और आसानी से अंग्रेजी पिकअप कर पाए। टिप टू लर्न इंग्लिश, टिप टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना, कि इंग्लिश कैसे बोलें इसके लिए टिप, या इंग्लिश किस तरह से सीखें इसके लिए टिप। लेकिन इसमें पहली बात मैं फिर बताऊं, जो पहले भी बताया मैंने कि ये शॉर्टकट्स नहीं है, ये सिर्फ ये है कि आप ये भी करें, इससे आपको फायदा होगा। उम्मीद करता हूं एंड आई होप दैट यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, जहां पर एक्चुअली आपकी ट्रेनिंग की जा रही है और वो जरूरी होता है। ओके, लेकिन वीडियोज जो आप देख रहे हैं मेरे इंग्लिश आम की महफिलों में, आप आकर मेरे साथ बैठते हैं और हम लोग उसमें इंग्लिश का काम करते हैं, उसके अलावा क्या करें, ये हमारे कई स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा है और इसलिए हमने ये सीरीज बनाई है जिसमें हम आपको टिप्स दे रहे हैं। ये टिप्स अच्छी हैं, लेकिन ये बहुत सारी टिप्स हो जाएंगी, इसलिए ज्यादा दे रहा हूं ताकि जिसको जो सूट आए, जिसको जो जिस पर वो अमल कर पाए वो उसको करे। सारी टिप्स आप नहीं करें क्योंकि आपको इतना करने का शायद मौका नहीं मिलेगा, मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, आप सारी करें। लेकिन अगर सारी नहीं कर पाते हैं तो मायूस ना हो, जितनी हो पाती उतनी करें, लेकिन जितनी भी टिप्स आप करते हैं वो दिल लगा करके और मजे लेकर करें। ये मजे, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार मैं तो ये मानता हूं जिंदगी का मतलब ही है मजा, अंडरस्टैंड। ये गमगीन होकर के पैसों के चक्कर में, करियर के चक्कर में कितना मरते मरते फिरोगे यार, करो जितना होता उतना। ओके, ये जो थिंक बिग वाली जो बात लोग करते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं, बहुत जल्दी करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं समझ में नहीं आता कि व्हाट इज दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ थिंक बिग, इट इज सो स्टूपिड, एनीवे डजंट मैटर। तो आप सारी टिप्स नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, जितनी हो पाती उतनी करें। और एक बात फिर दोहराऊं कि जो टिप्स की मैंने नंबरिंग दी है वो इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, ऐसा नहीं है, मैंने इसका कोई इवेल्युएशन नहीं किया है, कोई मेजरमेंट, कोई इसकी रैंकिंग नहीं की है कि ये नंबर वन सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो करना ही है, ऐसा नहीं है। मैंने एक श्रृंखला रखी है, कभी एक हमने नंबर डाले कि ये टिप नंबर फाइव, टिप नंबर फोर, इतना ही है, नथिंग इवेल्युएटेड अबाउट इट। ऑल द टिप्स आर गुड फॉर द पीपल हु कैन डू देम, जो लोग कर पाएंगे उनके लिए टिप्स अच्छी हैं, जो नहीं कर पाएंगे उसको भूल जाओ। ओके, लेकिन जितना करो अच्छा करो, कोशिश करके उसमें मजे लेकर के उसमें दिल लगा के करो। टेक इट एज अ फन थिंग टू डू, डू नॉट गेट टू सीरियस। इसके लिए मैं कहता हूं कि कई लोग हमको ये बोलते हैं सर कम टू द पॉइंट, व्हाट डू यू मीन कम टू द पॉइंट, द होल आइडिया इज डोंट कम टू द पॉइंट व्हेन यू लर्निंग अ स्किल लाइक दिस, डोंट कम टू द पॉइंट, अ पॉइंट इज ओनली अ पॉइंट, अंडरस्टैंड, इट इज नॉट द होल। अगर आपको सितार वादक सीखना है तो क्या अपने गुरु को बोलेंगे कि कम टू द पॉइंट, अरे उसका राग की आप राग की आत्मा सिखा रहे तुमको, वो पॉइंट से नहीं सीखी जाती है। मैं इतना बड़ा कोई सितार का गुरु तो नहीं हूं, कोई उस्ताद नहीं हूं मैं, लेकिन अंग्रेजी में इतना मैंने जाना है मेरे इतने सालों के तजुर्बे में कि इट इज नॉट बाय कमिंग टू द पॉइंट दैट यू लर्न टू स्पीक द लैंग्वेज, इट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सोल ऑफ द लैंग्वेज। आप समझो इस बात को, आप समझे, पॉइंट वाइज होता तो यार किताबें मिलती, पॉइंट वाइज आपको ढेर मिलता है। So please don't come and put in the comments. Some people have done that and I've knocked them off because it is not possible to come to the point and learn English. Okay? और यही बात गाने की, तो यार संगीत ना हो दुनिया में तो मजा ही क्या है। हम तो गाएंगे भैया, हम जैसे सिखा रहे वैसे सिखाएंगे, और आपको पसंद है तो आप हमारी महफिलों में आए, अंडरस्टैंड, लेकिन मिलेगा बहुत कुछ, ये तो गारंटी है, समझ रहे कि यार मजे लेकर के जियो। That is the whole idea about this entire English Arm program. We're trying to understand the soul of the language. Not by grammar points. Sorry, nobody has ever learned to speak a language that way. Understand? So, this is the way we're going to work. इस तरह से हम काम करेंगे. Okay, मजा भी आएगा. वक्त लगता है, वक्त लगता है. मैं कहाँ नहीं मना करता हूँ. ये झटपट आपको करना है, तो कहीं और कर ले. Yes, I'm telling you very frankly. आपको झटपट करना है, fast, express. तो don't watch my programs. I'm telling you, let me tell you one thing, there are people who are with me, who understand, aap log jo mere saath mein ho gaye hain, thank you so much, mujhe lagta hai ki haan meri zuban samajhne wala koi hai, aap samajh rahe ho, yes, thank you very much for all of you who have subscribed, who have come to me on Facebook, who are with me on Facebook, okay, thank you very much, वो क्या गाना गाता है, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
सो यस ओके आई अप्रिशिएट ऑल दोस पीपल हु अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आप लोग हमेशा रहें और बताएं आप और लोगों को जो इस तरह की एक चीज को समझ पा रहे हैं कि हम यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, प्लीज ओके इसी तरह से हम रहेंगे। और अगर आप मुझे बदलवाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें, शायद बदल भी जाऊं, लेकिन यार नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ऐसी हमारी फितरत है, ये हम हैं। अंडरस्टैंड, कम टू द पॉइंट, सॉरी यू कांट लर्न एनी स्किल बाय कमिंग टू द पॉइंट, यू लर्न अ स्किल बाय अंडरस्टैंडिंग द सोल। कोई फन को सीखना है उसकी आत्मा को समझेगा और वो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। एनीवे आज की टिप क्या है, थोड़े हम फलसफे में चले गए, वो तो होता रहता है। आज की टिप हमारी जो है रीड अलोंग। इसके पहले हमने रीड अलाउड किया था। रीड अलाउड होता है कि आपने कोई चीज ली, कोई किताब, कोई मैगजीन वगैरह लिया और आपने उसको पहले तो वैसे ही पढ़ा जैसे मनी मन पढ़ते हैं, उसके बाद में कुछ मिनटें आपने उसको आवाज के साथ, ध्वनि के साथ पढ़ी, वो रीड अलाउड हुआ। रीड अलॉन्ग क्या होता है? रीड अलॉन्ग होता है इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, इस तरह की किताबें आती हैं जिसके साथ में ऑडियो मिलता है आपको, ठीक है ना, या कैसेट, आजकल तो सीडी ज्यादा चलती है, ठीक है ना, तो वो आप बुक पढ़ें और साथ में वो आपको सुनने को मिलता है। यानी जैसे आप पढ़ते हो तो साथ साथ में वो आवाजें मिलती हैं आपको, ओके, और दीज आर सम ऑफ देम आर रियली वेरी वेरी नाइस, ओके। सो वो आप ढूंढें आपके शहर में, आपके कस्बे में, ऑनलाइन देखें, ओके ना, आजकल तो ऑनलाइन अमेजोन वगैरह में आपको किताबें मिलती हैं, गो इन टू रीड अलॉन्ग, ओके, या ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स में आप देखें कि कुछ ऑडियो बुक्स होती हैं वो सिर्फ ऑडियो ही ऑडियो होती है, वो ना लें इस लेवल के ऊपर। यहाँ पर आपको किताब, एक इंडियन पब्लिकेशन है, आई थिंक इट करडी द बेर, यस करडी द बेर, करडी KARADI, करडी द बेर नाम की एक सीरीज, वो ये इंडियन पब्लिकेशन है और ये लोग उसको प्रिंट करके साथ में ऑडियो देते हैं, बच्चों के लिए है, लेकिन यार दिल पे कौन बच्चा नहीं है आप समझ रहे हो, हम बेसिक लेवल पे हैं अभी अंग्रेजी के, तो अंग्रेजी में हम बच्चे हैं, आज मैं मराठी में बच्चा हूँ, बांग्ला में मैं बच्चा हूँ, बांग्ला हाँ कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इतना भी नहीं बोल पाता लेकिन अगर मुझे सीखना हो बांग्ला ठीक से तो इस तरह की अगर किताबें मिले तो डेफिनेटली दैट वुड बी अ बिग हेल्प। लेकिन प्रॉब्लम है कि बांग्ला में पढ़ नहीं पाता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप में से ज्यादा करके लोग कम से कम इंग्लिश पढ़ तो पा रहे हैं, ओके ना। यस आई हैव सेड कि माय प्रोग्राम इज आल्सो फॉर पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट। तो और चीज जो हमारे वीडियो कि हमारी महफिल में हम करते हैं वहां पर तो उनको हम सपोर्ट कर ही रहे हैं, उन लोगों को कि जिनको लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन ये तो उन लोगों के लिए कि जो लिख पढ़ तो लेते हैं लेकिन बोलने में प्रॉब्लम है। रीड अलॉन्ग ये जो एक एक्टिविटी है वो इतनी बढ़िया हो सकती है आपके लिए कि पूछो ना, फाइंड आउट। करडी द बेर एक सीरीज है, इंडियन है, एंड वेरी गुड आई वुड से वेरी गुड एफर्ट बाय दिस पीपल एंड वेरी गुड रिजल्ट्स आल्सो, नॉट ओनली एफर्ट्स, इफ द रिजल्ट्स आर वेरी गुड आप उसको देखें, वो इंडियन पब्लिकेशन है आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें देखें शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसमें आपको कुछ जो वो लोग देते हैं वो सिर्फ बुक्स होती हैं और कुछ जो होती है बुक्स एंड ऑडियो दोनों होता है, और शायद सिर्फ ऑडियो भी होता होगा। ट्राई टू फाइंड द बुक एंड द ऑडियो साथ साथ में ताकि आप सुने और साथ में जो लिखा है वो कैसे बोलना आपको पता। हमारे वीडियोज में महफिलों में आप देखो अक्सर जो हम करवा रहे हैं आपको वो साथ में लिखा होता है और मैं बुलवा रहा हूँ, तो इट्स इन अ वे दैट्स अ रीड अलॉन्ग ऑल्सो। और आने वाले दिनों में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से कुछ चीज़ें हम बनाएं कि ज़्यादा हो। अब तो हम लोग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं अभी तक जो हमने काम किया है, अभी तक मतलब आज ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस वक्त 131 हमारे वीडियोस हैं, 131 वीडियोस, ओके। और ये वीडियोस के अलावा डीवीडीज हमने बनाई हैं, वो डीवीडीज मतलब इन वीडियो से बनी है लेकिन श्रृंखलावार है, इसके लिए आप मुझे कॉल करें, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, डीवीडीज आर अवेलेबल ऑफ इंग्लिश आर्म, अंडरस्टैंड, उसकी क्या सिस्टम वगैरह है आप मुझे कॉल करें या मुझसे आप व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट करें या ईमेल करें, मैं आपको बताऊंगा अलग से। सो मैं कोशिश कर रहा हूं एंड प्लीज कोशिश कर रहा हूं, वादा नहीं कर रहा, डोंट होल्ड मी ऑन टू दिस। आप मुझे थाम न लेके सर आपने कहा था, तो भाई कहा है मैंने कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो इस तरह से रीड अलॉन्ग के कोई हम सिस्टम बनाए ताकि आप मेरे साथ में उसको रीड अलॉन्ग कर पाए। आई एम गोइंग टू ट्राई इट बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू, कीप दैट इन माइंड। सो ये हम जो कोशिश कर रहे हैं वो हम भी करेंगे, लेकिन बुक्स मिलती हैं और बढ़िया बुक्स हैं, ट्राई टू गो देयर एंड फाइंड आउट, ओके, एंड दे विल रियली हेल्प यू अ लॉट, ओके, क्योंकि उसमें आपके उनका बोलने का तरीका, प्रोनंसिएशन सब कुछ मिल जाता है।
That's a very good idea. Read along is the tip in this video. Okay, find out from Google, go on online. Okay, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर आपके बुक स्टोर्स बहुत सारे नहीं हैं या हैं तो उनके पास लिमिटेड वैरायटी होती है, तो मुंबई जैसे शहर में और आई थिंक दिल्ली वगैरह जो यू नो दिस इन पुणे और मे बी रतलाम एंड ऑल दिस प्लेसेस, ओके इंदौर, वहां पर जो अच्छे बुक स्टॉल्स हैं वहां पर आपको मिल जाएंगे या वो लोग मंगा के देंगे. वरना गो ऑनलाइन, ऑनलाइन में क्या नहीं मिलता, सब मिलता है. अंडरस्टैंड? सो दैट्स इट फॉर दिस दिस टिप ऑफ द डे. एंड प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि जैसे हम और वीडियोज डालेंगे, टिप्स के भी डाल रहे हैं. ओके, आई एम ट्राइंग टू मेक एज मेनी एज पॉसिबल. एंड और जो हमारी इंग्लिश आम के जो मेन हमारी सीरीज चल रही है उसके वीडियोस अब और तैयार हो रहे हैं. जैसे हम उसको अपलोड करेंगे तो वो भी आपको जैसे अपलोड होंगे आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो करें, लाइक करें ना प्लीज. ओके, थोड़ा सा लाइक बटन को आप क्लिक कर दीजिए. ओके, लेकिन संभाल के वो बाजू वाला वो नेगेटिव वाले को नहीं करना, पॉजिटिव प्लीज. एंड शेयर करें. ओके, आपके दोस्तों में, आपके गली मोहल्ले में, आपकी स्कूलों में, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके फ्रेंड्स को बताएं. ओके, और कॉलेज में हैं तो आपके कॉलेज के मित्रों को बताएं. एंड दैट्स इट फॉर नाउ. आई विल बी बैक वेरी सून विद वन मोर टिप. टिल देन, टाटा, बाय.